जैन सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 30 करने वाले हैं। टोटल 29 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और इसके बाद यानी कि 5 चैप्टर और बचेंगे, उसके बाद पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 35 की 35 वीडियो जल्दी जल्दी पूरी अपलोड कर दूंगा, आप लोग बेफिक्र होकर रहे। और जैसे जैसे करवाता गया हूँ वैसे वैसे आप लोग पढ़ते भी आइए आगे, बस समझ में, जिससे कि क्या होगा सारी चीज़ आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी। और टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप एक क्वेश्चन तुरंत ही बना दोगे, कोई दिक्कत की होगी ही नहीं बात, ठीक है ना। चलिए जो आज का चैप्टर है हमारा अनुसूचित जातियों, 30 चैप्टर है, 30वां चैप्टर है, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि SC और ST की जो समस्याएं होती है ना समाज में रहते हुए, हम उनके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे समाज में शुरू से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है इन लोग के साथ, SC और ST जो वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत शुरू से ही किया जाता रहा है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो सरकार द्वारा भी बहुत सारे इनके लिए कार्य किए गए हैं। अगर कोई इनको प्रताड़ित करता है या इनके मतलब जातिगत नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर तुरंत ही केस होगा। वो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें जो है पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब वेदों की रचना की जा रही थी, जब आर्य लोग आए थे हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना करी थी। वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यही जो लोग थे सबसे निचली वर्ग के लोग थे, वैश्य शूद्र थे, वही जो हैं आगे चल के या बोल सकते हैं शूद्र वर्ग के लोग, उन्हीं लोगों को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में जो है बांटा गया था, ठीक है, SC और ST। और हमारे पूरे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ग के अंदर आते हैं और आज उनको सुविधाएं भी मिली हुई हैं, ठीक है। जैसे सरकारी नौकरी में छूट मिलना, बहुत सारी चीज़ों में उनको छूट वगैरह दी गई है, विशेष कोटा दिया जाता है, क्यों, ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो सके और किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पर। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही इनको प्रताड़ित किया गया है, तो अब जब उनको मिल रहा है तो क्यों दिक्कत हो रही है सबको आगे बात समझ में। तो ये चीज़ याद रखना। तो अनुसूचित जातियों से क्या अभिप्राय है, तो सबसे पहले आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से होगा, देखिए जरा। तो अनुसूचित जातियां हमारे समाज की अंग थी और हैं भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। पर गंदे व्यवसाय करने के कारण उन्हें अस्पर्श समझा जाता था, यानी जैसे चमड़े वाला काम करना, जूते वगैरह बनाना, है ना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई बहुत सारे कार्य करना, तो ये जो लोग थे इनको जो है अस्पर्श यानी अछूत माना जाता था। मैं यहाँ पे किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए कोई भी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बस ये जो किताबों में दी गई हैं वही बातें बोल रहा हूँ और जो सच्चाई है वो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है ना। देखिए तो अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता से वंचित हो गए, यानी कि इन लोगों को ना शुरू से ही अपने अधिकारों के और अपने जो जो इनके पास जो जो स्थिति थी इनकी बद से बदतर की गई थी शुरुआती दौर में, ठीक है। और जैसे हम लोग सबसे अच्छा जानते हैं एग्जांपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के साथ जो घटनाएं होती थी वो तो हम कभी नहीं भूल सकते। जैसे उनको स्कूल में सबसे कोने वाले बेंच मतलब सबसे नीचे बैठाया जाता था, और यहाँ तक कि जब वो पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने तो भी जो है उनको जो उनके प्यून थे या बोल सकते हैं जो कर्मचारी थे वो तक फाइल फेंक के दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें गलत थी ना, तो यही सारी चीज़ें खत्म करनी है हमें। वे अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता से वंचित हो गए और उन्हें कई निर्योग्यताओं का शिकार होना पड़ा, मतलब उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते आगे बात समझ में। तो ये सही चीज़ें थी, इन्हें हम कहते हैं अनुसूचित जातियों से क्या अभिप्राय है। दूसरा भी क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, अनुसूचित जनजातियों से क्या अभिप्राय है। तो अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं वो देखिए, अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि ये ST हैं, शेड्यूल कास्ट अलग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या ट्राइब्स जो बोलते हैं ना इन्हें जनजातीय लोग बोलते हैं जो कबीलों में रहा करते थे और इन सब चीज़ों में, ठीक है। देखिए अनुसूचित जनजातियां भारतीय व्यवस्था में की आंतरिक अंग नहीं थी, वे प्राचीन लोग थे जो पहाड़ों जंगलों और सागर तटीय क्षेत्रों में निवास करते थे। वास्तव में उनका निवास जंगलों और जो है जंगल के क्षेत्र में था। ये लोग कहाँ रहते थे, ये कबीलाई लोग थे
जिसे शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, ठीक है। तो एसटी वाले होते हैं ये लोग, तो ये जंगलों में और नदी तटीय मैदानों में है ना, इन जगहों पर जो है, पहाड़ों पर है ना, इन जगहों पर रहा करते थे, इसीलिए इनको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। ट्राइब यानी जनजातीय लोग, आगे बात समझ में, कबीलों में पहले नहीं रहते थे लोग है ना, वो सब लोग। तो ये चीज है, तो समाज में इनकी स्थिति अच्छी करने के लिए सरकार ने बहुत अहम कदम भी उठाए हैं, वो हम अगले क्वेश्चनों में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अस्पर्शता से क्या अभिप्राय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, अस्पर्शता से क्या, इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, चैप्टर से ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। और अस्पर्शता से क्या अभिप्राय, देखिए जैसे अछूत बोला जाता है किसी को, जिसको छुआ नहीं जाता है, पहले ब्राह्मण वर्ग, आज तो कुछ भी नहीं ऐसा मानने हैं कि हाँ हम उनका छुआ वो नहीं कहेंगे, सबको जरूरत पड़ती है एक दूसरे की, और सब भाग के जाते हैं दूसरे के दरवाजे पर। आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी शिक्षा, आज के टाइम पे जरूरी क्या है, आपके पास कितना जो है, कैसा आपका पद है, क्या चीज अच्छी है ना, ये चीज व्यवहार इंपॉर्टेंट रखता है, पैसा इंपॉर्टेंस रखता है ना, ये सारी चीजें लोग अब उतना ध्यान नहीं देते हैं, पहले चलता था बहुत ज्यादा, लेकिन आज सब कुछ अच्छा हुआ है जो सरकार ने इनके लिए अच्छे काम किए हैं। तो अस्पर्शता से क्या तात्पर्य, पहले तो इनका छुआ हुआ पानी खाना कोई भी नहीं खाता था ना, ब्राह्मण वर्ग के लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग कोई नहीं खाता था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल सकती है, बहुत से लोग जानते भी होंगे ये चीजें कि हो रही हैं आज भी समाज के अंदर। तो वही सारी गंदी चीजें हमें खत्म करनी है भाई, ये भी तो इंसान है, इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाएं यार, ये हैवानियत ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। देखिए अनुसूचित जाति हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, पर उनके गंदे व अशुद्ध कार्यों में लिप्त होने के आधार पर जो है उनको अस्पर्श समझा जाता है, वे अपने अधिकारों एवं आज़ादी से वंचित हैं, इनको अनेक प्रकार की अयोग्यताओं से गुजरना पड़ता है, यानी बहुत जगहों पर ना इनके लिए जो है अनुमति नहीं रहती। जैसे पहले के टाइम पे क्या था, शूद्र जो है मंदिर में नहीं जा सकते थे, जब ये वर्ण व्यवस्था वगैरह चलता था शूद्र मंदिरों में नहीं जा सकते थे, महिलाएं जो हैं जब रजोधर्म वगैरह चलता था ये मंदिरों में नहीं जा सकती थी। तो सिंपल सी बात है कि भाई आज भी चलो वो चीज़ तो अलग होती है, लेकिन जो ये है इनको अस्पर्शता, अस्पर्श समझा जाता है, अछूत माना जाता है, ये तो बहुत गलत बात है ना, कोई भी इंसान अछूत नहीं होता है, आप जो अपना नजरिया बदलें हाँ, लेकिन जब ईश्वर के सामने जा रहे हैं, भगवान के सामने जा रहे हैं, तो आप पवित्र होकर जाएं, ये चीज़ ठीक रहेगी, आप साफ सुथरे होकर अच्छे से नहा धोकर बढ़िया तरीके से हर चीज़ में जाएं, लेकिन वहाँ गंदगी ना फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस जो हमारे दिमाग के अंदर जो ये चीज़ें बैठी है ना, अछूत ये वो है ना, अस्पर्शता, कुएं का पानी छू दिया तो हम नहीं पियेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये दिमाग से निकालें आप, आगे बस उनमें इंसानियत दिखाएं थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। तो ये चीज़ होगा, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, इस तरीके से हम लोगों ने ये चाहिए चीज़ जानी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ, जनजातियों की निर्धनता के प्रमुख कारण, ये जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो SC हैं, ST हैं, ये लोग आज गरीब क्यों रह गए हैं, आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर। अनुसूचित जनजातियाँ घर, भूमि, पालतू जानवरों एवं नकदी सामान रखने की अनुमति ना मिल पाने के कारण गरीब हो गए, यानी शुरू से ही इनके लिए कार्य ना निर्धारित कर दिए गए कि बस ये यही काम करेंगे, तो ये तो गलत था ना, तो जब यही काम करेंगे तो क्या होगा इससे, फिर तो और कोई काम नहीं कर सकते, तो इससे इनकी स्थिति बद से बदतर जो है समाज के अंदर होती चली गई, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अनुसूचित जातियां भूमि से अलगाव एवं शहरों, उद्योगों, बड़ी योजनाओं आदि के लागू होने के कारण भी जो गरीब रह गए, यानी छोटे मोटे जो काम करने वाले थे आज उनका भी धंधा चौपट हो गया, तो वो बद से बदतर उनकी स्थिति होती चली गई। आगे बस हमें, तो हमें क्या करना है, जो अगर आपके सामने कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है, जिनकी स्थिति खराब है, तो आप वहाँ उसको नज़रअंदाज मत करें, आप उनकी सहायता करें, इंसानियत दिखाएं, ये नहीं कि ये तो इस जाति का है, ये उस जाति का है, ऐसा नहीं, ये बहुत बेकार लोग करते हैं। आगे बस समझो, जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, भगवान ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो ये बाद के लोग आए ना, इन्होंने इनमें भेदभाव करना शुरू कर दिया। आगे जिस टाइम पे ईश्वर थे उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन जो बाद में लोग आए उन्होंने, भाई ये तो अछूत है, हम इसके हाथ का नहीं पानी पियेंगे, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ऐसा होगा, ये सारी चीजें ना लोगों ने रद्द करके रख दी, समाज को बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया। अरे बस समझ में, तो ये चीजें हैं। आज जो अन्य संप्रदाय, अन्य समूह बने हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से बने हुए हैं
कि जो सनातन धर्म के अंदर जो कमियां रह गई थी ना, जिसके कारण अन्य लोग वहां से निकल निकल कर दूसरे संप्रदायों की तरफ बढ़ते चले गए, ये सनातन धर्म के अंदर थोड़ी सी कमियां रह गई थी। आगे बात समझ में? देखिए सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, अगर किसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही होगी तो वहां से लोग क्यों जाएंगे? जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तभी तो निकलकर दूसरे स्कूलों में जाएंगे। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, वही चीजें रही यहाँ पे भी। अगर कमियां थी तो लोग बाहर गए, अब कमियां नहीं होती तो लोग नहीं जाते। सिंपल सी बात है, आज लड़ क्यों रहे हैं फिर, है ना? तो कमियां थी तो कमियां सुधारें, ये चीज है। तो ये आप इंसान समझें एक दूसरे को, इस तरीके से व्यवहार ना करें एक दूसरे के साथ, है ना। चलिए आंसर मारो, जाइए यहां से। तो ये चीज थी, इसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से आज ना ये लोग गरीब रह गए, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए रह गए, है ना, इन सब कार्यों की वजह से। चलिए उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, अनुसूचित, पांचवा क्वेश्चन, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो क्या प्रयास किए गए हैं, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कल्याण के एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाओं को चलाया गया है, लेकिन वे अभी तक शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी कमियां जरूर हैं, जब भी आज ये लोग पिछड़े हुए, या तो इनमें से कुछ खुद नहीं पढ़ना चाहते होंगे, या सरकार मेहनत कर रही है तो लोग उसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हैं। अरे बस कहीं ना कहीं किसी की कमी तो जरूर है। ठीक है, आप दोष दूसरों को कम दें, पहले अपने आप को दोष दें कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सरकार ने शिक्षा सबके लिए बराबर कर रखी है, ये चीज याद रखिएगा। आज स्कूलों में कोई भी पढ़ सकता है, ऊंची जाति नीची जाति इसका कोई भेद नहीं है, स्कूल के अंदर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त ये है कि आप मन लगा के पढ़ें। याद रखिएगा, आईएएस जो बनता है वो ये देखकर नहीं बनता, ये ऊंची जाति का नीची जाति का ये देखकर नहीं बनता। आईएएस डॉक्टर वो लोग बनते हैं जो शिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। आगे बात समझ में? ये ध्यान में रखिए आप लोग, वहां रोना मत रोइए कि हम तो इस जाति से हम उस जाति से। आप अपनी मेहनत करें, अपना दिमाग आगे बढ़ाएं, शिक्षित होएं, आप जितना पढ़ाई कर सकते हैं उतनी पढ़ाई करें, तब जाकर आगे बढ़ेंगे, तब उसके बाद रोने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पद है, ये पैसा है, जब आएगा धन दौलत आएगी, जब पद मिलेगा, अच्छा प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा ना समाज के अंदर, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, जात पात ये सब कुछ रद्द हो जाएगा। आप याद रखें, इससे आगे कुछ भी नहीं है, शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप शिक्षित होएं, हर चीज तब जाएगी समाज के अंदर, जब पद मिलेगा ना, अच्छा रुतबा मिलेगा, तब देखिएगा कोई आपको कुछ बोल सकेगा तो कहिए फिर। लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, कोई मेहनत ही नहीं करना चाह रहा, सब शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं और रोना रोए जा रहे हैं कि गलती आप लोग की है। याद रखिएगा, सरकार ने सब कुछ दे रखा है, बस गलती आपकी है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, दिल लगा के मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। चलिए उसके बाद हमने ये बता दिया, आंसर मारो जाइए यहां से, ये चीज हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करें। देखिए ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड है ना, सामाजिक समस्याएं क्या हैं, तो ये जो आपको पता लग जाएगा ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें आराम से बना लेंगे। देखिए भारतीय समाज विभिन्न जातियों, आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर, भारतीय समाज विभिन्न जातियों, आयु व लिंग के आधार पर विभक्त है। समाज में कुछ वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा प्रभुत्वशाली रहे हैं, इसके विपरीत कुछ वर्ग शक्तिहीन एवं संसाधन रहित रहे हैं। यानी कुछ वर्गों को ज्यादा प्रॉफिट मिला, कुछ वर्गों को कुछ भी नहीं मिला। तो बदलते समय के अनुसार जब वंचित वर्ग स्वयं को समायोजित करने में असफल रहा तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हुआ। यानी कि जब समाज के अंदर लोगों ने खुद महत्व को नहीं समझा तो समाज बांट दिया गया। देखिए जब आप कठपुतली बने रहना चाहेंगे ना, तो कोई भी आपको कठपुतली बना जाएगा। जब आप खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे ना, आज देखिए लोग एक दूसरे के नीचे दबे हुए हैं, कोई खुद से मेहनत करना ही नहीं चाह रहा है। जब आप खुद से मेहनत करेंगे, जब आगे बढ़ने लग जाएंगे, किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा नहीं ना, तो वही चीजें होती हैं। आप थोड़ी सी सोच बड़ी रखें अपनी। आप बोलते हैं यार मेरे पर ये हुकुम चला रहा है, मेरे पर वो हुकुम चला रहा है, कोई भी नहीं चलाएगा। अगर आप लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे, तो पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाओगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के, लेकिन मेहनत चाहिए होती है, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। जो कर गया सही टाइम पे वो बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ सही टाइम जरूरी है। एक आयु होती है पढ़ने की भी, जिस टाइम पे आपने ये आयु निकल गया इससे बाहर, उस टाइम पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा। अरे बात समझ में? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, जो पढ़ने का टाइम है उस पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, आगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर आप लोग के लिए रखा हुआ है। आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखें। तो
बदलते समय के अनुसार जब वंचित वर्ग स्वयं को समायोजित करने में असफल रहा तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हुआ, समाज टुकड़ों में बटा। इन सामाजिक विघटन ने जो है सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन दिया, यानी जब विघटन हो गया तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर अलग अलग हुआ तो लोगों के ऊपर काम थोपे गए। सामाजिक समस्याएं समाज में विभेदकारी एवं अमानवीय जो है व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है। अमानवीय व्यवहार किया गया लोगों के साथ, जब लोगों को बांटा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब में बांटा गया तो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, चंडाल बांटे गए समाज के अंदर, यानी इनके लिए तो ये बोल दिया गया था कि ढोल नगाड़े बजाते हुए आएंगे समाज के अंदर, क्योंकि अगर कोई इनको देख लेगा तो वो अस्पर्श हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा एक तरीके से, और इनको अस्पर्श बोला गया यानी अछूत बोला गया। तो समाज के अंदर ये जो धारणाएं है ना, थोड़ी सी परिवर्तित करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकता है, सिर्फ शिक्षा से हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है। अरिवा समझ में, विदेश देश विदेश आज इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि उनमें कम जो ये चीजें हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत से इलाकों में भेदभाव चलता रहता है, जातिगत भेदभाव आज भी विद्यमान है देश के अंदर। अरिवा समझ में, ये चीजें याद रखें। सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन दिया, सामाजिक समस्याएं समाज में विभेदकारी एवं अमानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है, रहती हैं, और समाज में वंचितों के रूप में सामाजिक समस्या को जन्म देती हैं। यानी लोग अलग अलग हो जाते हैं इन चीजों से, लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट के देख रहे हैं, मतलब कि अपने आप को अलग समझने लग जा रहे हैं, है ना। चलिए समझ जाइए, अपने आप को अलग समझ रहे हैं, दूसरे को अलग समझ रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को नीचा समझते रहोगे ना, तब तक लोग दबाते चले जाएंगे। याद रखिएगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाओ तो कोई भी नहीं दबा सकेगा। आज एक बड़े इंस्पेक्टर के साथ बड़े DSP होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, उनको कोई दबा सकता है अपने पैरों तले? नहीं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। आ रही बस उनमें, तो ये चीज़ें हैं, आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े जो आज रईस लोग हैं, उनसे कोई पूछने जाता है? देखिए प्रैक्टिकली ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ें, कि उनसे कोई पूछने जाता है सर आप कौन से धर्म से हैं, कौन से जात से हैं, ये कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उनका पद होता है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं रह जाती इन चीज़ों की। आगे बस समझ में, तो ये चीज़ याद रखें, जब आप शिक्षित होंगे तो आप समाज के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें। उसके बाद है वंचितता की परिभाषा दें। वंचितता मतलब क्या होता है, जब समाज के अंदर आप अलग हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए दो लोगों को अलग कर दिया, तीन लोगों को अलग कर दिया, जो लोगों को अलग किया ना वो वंचित हो गए समाज से, वंचित, ठीक है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। सामाजिक समस्याएं वे हैं जो समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को अपनी ओर आकृष्ट करती है। इन समस्याओं का समाधान करने हेतु समाज को सामूहिक रूप से प्रयास अवश्य करने चाहिए। ये समस्याएं खत्म करनी है ना, तो मैं आप और हमारा शिक्षक वर्ग जो है, टीचर शिक्षकों का जो समूह है, वो अच्छे से खत्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग पूछते हैं, मेरे से पूछा गया है कि सर आप किस धर्म से हैं, धर्म के अंदर कौन सी जात है आपकी। एक बात बताइए, जब टीचर से ही पूछा जाएगा और टीचर खुद इन चीजों को जब बढ़ावा देंगे तो समाज का क्या होगा, कल्याण होगा, पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज ना ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कॉल पे खुद पूछा गया है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये चीजें नहीं हो अच्छा रहेगा। और जब ये टीचर जब खुद बढ़ावा देंगे ना इन चीजों को, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के अंदर भी आएगा, अरे ऐसा है, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को जो है इंसानियत के नाते, एक छात्र और शिक्षक का रिश्ता सिर्फ छात्र और शिक्षक तक ही रहे ज्यादा अच्छा है, उसके आगे जाता है तो गलत होने लग जाता है। आगे बस समझ में, तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। तो उसके बाद बोला गया है कि आवश्यक हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं एवं बच्चे वंचित वर्ग में आते हैं। शुरू से ही पुरुषों को ज्यादा दर्जा दिया गया उच्च वर्ग के, इनको इसके वास्तविक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। यानी पहले इन लोगों को मंदिरों तक में नहीं जाने दिया जाता था, बहुत ज्यादा भेदभाव था पहले, बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ कि आज थोड़ा कम हुआ है, और हमें पूरा ही खत्म करना पड़ेगा ये भेदभाव, याद रखिएगा। तो इसके अधिकारों को समाज के धनी प्रभुत्वशाली वर्गों के द्वारा छीन लिया जाता है। जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंदर ऊंचे तबके के हैं, ऊंची जाति के हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना जो है वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को वंचित कर देते हैं, समाज से बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसको बोला जाता है वंचितता। आगे बसन में देखिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्पर्शता की परिभाषा दीजिए, इससे संबंधित 5 निर्योग्यताएं गिनवाएं। तो भाई अस्पर्शता क्या होती है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया हूँ, जो अछूत मानते हैं जिन्हें सब,
वो अस्पृश्यता की श्रेणी में आता है। देखिए, अनुसूचित जातियों को इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है जो गंदा और अपवित्र था। उदाहरण के लिए उन्हें निम्न कार्य करने पड़ते, जैसे देखिए ध्यान सुनना, पखाना और मृत जानवरों को उठाना पड़ता था। यानी पखाना क्या होता है, जैसे शौचालय वगैरह होता है, उनको वो काम दिया गया था साफ सफाई का। अब देखिए, शुरू से ही जब उनको वो काम दिया गया था, समाज के अंदर अन्य वर्ग के लोग जो थे, ऊंचे वर्ग के लोग, उनको वो काम दे देते थे, तो वो करना ही पड़ता था, आजीविका बनाती। धीरे 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 लोग स्वीकारते चले गए उन चीज़ों को। तो यही लोग जो है बाद में इन चीज़ों को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए। सिंपल सी बात है ना, जहाँ पर लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ मान के चलिए एक धर्म के अंदर लोगों को बिल्कुल जब निम्न श्रेणी में रखा गया है, जब लगेगा कि दूसरे धर्म के अंदर हमको ऊपर अच्छा स्थान दिया जा रहा है, अच्छा रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो वो लोग भागेंगे ही ना दूसरे धर्म की तरफ। ये प्रैक्टिकल है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, गलत चीज़ नहीं है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये सिंपल सी सही चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल। उन्हें पेशाब घर धोने पड़ते थे, उन्हें ढेर सारी गंदगी समेटे हुए कपड़ों को धोना पड़ता था। शमशान घाट पर भी उन्हें कुछ प्रदूषित कार्यों को करना पड़ता था। उपरोक्त कार्यों को अपवित्र समझा जाता था, इसी कारण इन कार्यों के संपादन के साथ ये धंधे भी अपवित्र हो जाते थे, यानी काम भी गंदे बना दिए गए। अस्पृश्यता के परंपरागत कार्यों को अनुसूचित जातियां संपन्न करती थी, इसी कारण उनमें निम्नलिखित निर्योग्यताएं होती थी, जैसे यानी कि पकाए गए भोजन तथा दिए गए पानी की अस्वीकार्यता। पहला काम इनके साथ क्या होता था कि इनके छुआ हुआ कोई पानी तक नहीं पिएगा, ऊंची जाति के लोग, सब लोग जानते भाई अच्छे से क्या होता था, ठीक है। उसके बाद इनका इनके द्वारा बनाया गया खाना, जो दलित लोग खाना बनाते हैं, उनके वहाँ ऊंचे वर्ग के लोग खाने, हमारे बहुत सारे आज देहात गाँव में देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो जानते होगा कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे कि उनके वहाँ ऐसा होता है, और उनको ख़त्म भी करना होगा इन चीज़ों को, ये कार्यों को ख़त्म भी करना होगा कि हाँ कोई दलित आया, उसको जो है प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया और कोने में बैठा के बिल्कुल नीचे जो है उसको खाना पानी दिया जा रहा है, और उस थाली में उस बर्तन में कोई भी उस जाति का खाना नहीं खाएगा जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा वो। तो आज भी बहुत जगहों पर ये देखने को मिल रहा है, और ये गंदी चीजें आज हमें खत्म करनी ही पड़ेंगी। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। उसके बाद ये बोला गया सामाजिक संपर्क का अभाव, यानी कि कोई उन्हें छुएगा नहीं समाज के अंदर, जैसे इनको छू दिया और अपवित्र हो गए, ओ है ना, ऐसा होता है ना, बेकार चीज है। ये चीज ना हो इसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, याद रखिएगा। पढ़ाई लिखाई जो बंदा आगे बढ़ जाता है पढ़ लिख कर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इन चीजों को बढ़ावा ना दे, तभी तो खत्म होंगी ना सारी चीज समाज के अंदर से, ये चीज है। तो ये हो गया। उसके बाद अरे भाई इंसान है वो भी, क्यों गलत करते हैं लोग उनके साथ यार। सोचने वाली बात है कि एक इंसान छू रहा है किसी चीज को और वहां ऊंची जाति के लोग आ रहे हैं, अरे अरे वहां इसको नहीं छूना है, गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धारणाएं निकालनी पड़ेंगी। और मैं हैरान रह जाता हूं कभी कभी उन बच्चों के मुंह से सुनकर कि सर वो तो इस जाति का है, हम वहां नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं, वहां अगर जाते हैं तो हम उनकी प्लेट में खाना तक नहीं खाते। बड़ी बेकार लगता है सुन के ये सब। तो ये खत्म कौन कर सकता है, ये शिक्षक वर्ग मिलकर खत्म कर सकते हैं। अगर हम बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें भरेंगे ना, तो ये गंदगी जो है ना, कचरा है, ये दिमाग से निकलेगा सबके। आगे बस जातिगत भेदभाव में कुछ नहीं रखा है, आप इंसानियत देखें, इंसान कौन अच्छा है वो देखें। लेकिन वो चीजें हमारे समाज से खत्म नहीं हो रही हैं, उसको खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज देखें, सार्वजनिक कुओं एवं तालाबों के उपयोग पर प्रतिबंध, यानी कि जो बहुत सबके लिए जो कुआं था उसमें दलित लोग पानी नहीं पियेंगे, तो ये पहले चलती थी ज्यादातर चीजें, आज भी कहीं ना कहीं किसी गाँव देहात में जरूर चलता है, ये सब लोग जानते हैं ये चीजें। तो उनके साथ उसमें भेदभाव है ना, कुएं में से पानी नहीं पी सकते, अगर पी लिया तो कुआं अपवित्र हो जाएगा, और उनको सजा भी दी जाती थी, गलत चीजें हैं ये। मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, बहुत गलत चीजें हैं ये तो, क्योंकि भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लिए होते हैं क्या, नहीं ना, भगवान सबके लिए हैं। याद रखिए, आप अपने आप को शुद्ध उद करके अपना अपना नहा वहा के बढ़िया से बिल्कुल है ना, अच्छे कार्य करें आप लोग, मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, कोई भी नहीं रोकेगा आप लोग को। जब आप लोग खुद सोचेंगे ना कि मैं तो ऐसा हूं या मेरे को प्रताड़ित किया गया, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएं, ठीक है, आप शुद्ध होकर जाएं, ये नहीं कि आप गंदे होकर चले जाए ना, बिना नहाए, हर चीज एक कायदे में हो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अपनी ओर से अच्छा बने,
आप जाएं, बेशक जाएं, कोई नहीं रोक सकता आप लोग को, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद कोई सेवा नहीं, यानी पुजारी, शिल्पकार, उसके बाद जातियां, धोबी, कपड़ा धोने वाले और डोम, अंतिम क्रिया करने वाले अनुसूचित जातियां को अपना कार्य सौंपने को अस्वीकार करते हैं, यानी कि जो हैं ऊंची जाति वाले लोग क्या करते हैं, निचली जातियों से कम कार्य करवाते हैं, और जो वैसे कार्य हैं गंदे काम, उनको बुला लिया जाता है, वो काम करते हैं फिर, है ना, ये चीज़ है। तो दूसरों पर निर्भर रहना और परिस्थिति सामंजस्य का अभाव, यानी कि याद रखिएगा ये लोग क्या करते हैं, इनको शुरू से ही ऐसा बनाया गया कि वो दूसरों पर डिपेंड हो। जैसे गांव में शादी ब्याह होता है तो लोगों इन लोग को बुला लिया जाता है और ये छोटे मोटे काम वो लोग करें, अपना पत्तल उठाना और जो बेकार कार्य हैं वैसे कार्य हैं, निचली वैसे कार्य हैं, है ना, उनको सौंप दिया जाता है। अरे भाई क्यों, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार कर रखा है। आज मैं भी देखता हूँ बहुत जगहों पर उन लोगों ने स्वीकार कर रखा है। आप अपने आप को कमजोर मत समझें, आप शिक्षित होंगे, आप समाज के अंदर सबसे उछले वर्ग पर पहुंच जाएंगे, याद रखें शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। आप लोग रटी रटी चीजें मत करा करिए, शुरू जो परंपराएं चली आ रही, प्रथाएं चली आ रही हैं, आप उसको ना माने, जो ये बेकार चीजें, अच्छी चीजें आप माने उसको, लेकिन जो आपको डुबा रही हैं चीजें, समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रही हैं, आप उन चीजों को छोड़ें, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ते जाएं समाज के अंदर। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। चलिए उसके बाद ये हो गया, है ना, चलिए आंसर में जाइए यहां से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अनुसूचित जातियां किसे कहते हैं, उनकी गरीबी से जुड़ी हुई कोई 5 समस्याएं बताएं। देखिए अनुसूचित जातियां कौन होती हैं, एक तो जनजातियां बताया मैंने, एसटी होते हैं जनजाति, और जातियां एससी होते हैं। तो देखिए अनुसूचित जातियों को दीर्घकाल तक आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते, यानी पैसे कमाने के लिए नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनके लिए एक ही काम था, छोटे मोटे काम ही उनको दिए जाते थे, और इसी कारण वे गरीब रहे और दूसरों पर निर्भर हो गए। अनुसूचित जातियों की निर्धनता से जुड़ी हुई समाज समस्याएं निम्न प्रकार हैं, जैसे भौतिक वंचितता, यानी कि अनुसूचित जातियों को मकान, जमीन, पशु, जवाहरात इत्यादि नहीं रखने दिए गए, ये चीज़। इस प्रकार वे भौतिक संपदाओं से वंचित रहे, ना उनके पास खुद का घर, ना बड़ा घर, शुरू से ही इनको बस एक चीज दे दिया गया कि तुम ये छोटा मोटा काम करो। अब भाई उनमें उनकी क्या गलती थी, सोचने वाली बात है ना, आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बना दिए, शूद्रों को नीचे रख दिया, उनको वही काम दे दिया, अब वो वही काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब उनकी गलती भी यही है, शूद्रों की भी गलती है कि वो अपनाए हुए हैं उन चीजों को, पढ़ लिख नहीं रहे, उनके बच्चे भी वही काम करते आ रहे हैं, है ना, तो ये चीज क्यों कर रहे हैं। अब वही बच्चा जो शूद्र का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, कोई रोक देगा उसको, नहीं रोकेगा, शुरुआत में रोका जाता है, लेकिन आज कोई नहीं रोक सकता। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो समाज में आप बहुत आगे तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, बस आप अपनी ओर से कोशिश करें, कोई नहीं दबा सकता आपको, याद रखिएगा। मैं बस सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ, आप लोग समझें इन चीजों को, आगे बस समझ में, ये चीज याद रखें, ठीक है। आप लोग किसी से कम नहीं है, आप लोग खूब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इंसानियत दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद भूमिहीनता, शुरू से ही उनके पास जमीनें नहीं रही, शैक्षणिक पिछड़ापन, शुरू से ही उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाए। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जब इतना कुछ हुआ, तो सोच के देखिए आम लोग के साथ कितना होता होगा। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारे अधिनियम पास किए, नई नई चीज़ें बनाई, जिससे कि क्या हो, उनका पिछड़ापन दूर हो सके। आगे बस समझ में, आज हर बच्चा पढ़ लिख सकता है और हर बच्चा आगे जा सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद है शैक्षणिक पिछड़ापन और रोजगार एवं सरकारी सेवा। आज सरकार ने इनको रोजगार दिया है, आज सरकार ने इनके लिए जो है बहुत सारे अवसर दिए हैं, कोटा दिया है, सरकारी नौकरियों में आज यही लोग खूब ज़्यादा भर गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति सरकार ने अच्छी करने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। चलिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मेहनत करके आगे बढ़ते रहें, ये चीज़ें। और ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूर, यानी कि ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी भी देखी जाती है, शुरू से ही इनको जो है ऋण तले दबा दिया गया, बंधुआ मजदूरी करवाई गई इनसे, है ना, पैसे जब लाद दिए गए इनपे तो इनपे कोई और चारा था नहीं, इसलिए इन्होंने ये कार्य चुन लिया और मजदूरी करने शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं पोषण, शुरू से ही ना अच्छा खाना, ना अच्छा चीज़ें, इनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, दूसरों के ज़मीनें पर काम करते थे, खाद डालना, पानी खेतों में डालना, है ना, ऐसे ऐसे काम इनको दे दिए जाते थे, बीज बोना, छोटे मोटे जितने भी काम है सब कुछ इनको दे दिया जा रहा था। तो ये चीज़, दूसरों की ज़मीनें पर काम करते थे, थोड़ा हिस्सा खुद रखते थे, बाकी सारा वापस लौटा देना पड़ता था, ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है। उसके बाद अत्याचार, शुरू से ही इनके ऊपर अत्याचार, उनकी स्त्रियों को अपमानित किया जाता था, उनको पीटा जाता था, उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, जब वे, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, 1857 की क्रांति के अंदर कितने ज़्यादा किसानों को मारा गया था, कितने ज़्यादा दलितों को मारा गया था, शुरू से ही चलती आ रही चीज़ें हैं ये, इनको अब ख़त्म करना पड़ेगा इंसानियत के नाते,
इंसानियत के तहत, शिक्षा के तहत आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो बुरी चीज़ें हैं, ये प्रथाएं जो हैं, आप इन प्रथाओं को, गलत प्रथाएं जो चली आ रही है, जैसे सती प्रथा खत्म हुई, विधवा पुनर्विवाह प्रथा ये लागू की गई, और जो बेकार चीज़ें उनको ख़त्म किया गया, तो आज भी हमको इन चीज़ों पर एक्शन लेना पड़ेगा और मिलजुल कर एक साथ रहना पड़ेगा। और जो दबे कुचले लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो भी समझें इन बातों को, क्योंकि आपको पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ना होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है सरकार ने। आगे बस उनमें आप रोना बंद करें, आप लोग आगे कैसे बढ़ना है वो सोचें, ठीक है ना। चलिए, बाकी शिक्षक वर्ग है आप लोग के साथ, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और जो शोषण कर रहे हैं, जो गलत करते हैं समाज के अंदर, उसके लिए तो सरकार बैठी है, कानून है हमारा, संविधान है कि भाई उनको देखेगा वो, ठीक है। इसीलिए सरकार ने जुर्माना वगैरह इनके ऊपर लगा रखा है, वो आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया, चलिए आंसर मारा जाइए। ये चीज़ हम लोग जान जाएंगे इनके लिए क्या क्या किया गया जो है गरीबी से जुड़ी हुई, कोई पांच समस्या मैंने आप लोग को बता दी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के मुख्य प्रावधानों को लिखें। तो यानी 1955 में कैसे कैसे प्रावधान लाए गए दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए। देखिए जरा, भारत के संविधान के 17वें अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को प्रतिबंधित जो है कर दिया है, और इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध माना है। यानी कि अछूतपन जो चलता है ना समाज के अंदर, कि अरे भाई ये तो अछूत है, ये है वो, जो भी करता हुआ दिख गया वो अपराधी होगा, याद रखिएगा, तो गलत है। अच्छा हुआ सरकार ने बनाया। निम्न क्षेत्र में प्रवेश बंद करना अस्पृश्यता का क्षेत्र, जैसे नौकरी, पीने के पानी का भंडारण, पूजा पाठ करना, चाय की दुकान व होटल पर काम करना, रेलगाड़ी या बस में यात्रा करना, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना, अस्पताल में भर्ती होना इत्यादि, सब में सरकार ने छूट दी है। बढ़िया तरीके से इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं लेकर आए। उपरोक्त तो समस्त अस्पृश्यता गतिविधियों पर सरकार सजा देती है। अगर कोई भी बोलता हुआ दिख गया ना, ये तो दलित है, ये ऐसा है वैसा, यहाँ मत काम करने दो, ये कर, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया इस बात पे, और अगर कोई कंप्लेन करता है तो तुरंत उसको जेल भी होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। देखिए जरा, उपरोक्त समस्त अस्पृश्यता गतिविधियों पर सरकार सजा देती है और जुर्माना करती है। अस्पृश्यता अपराध संशोधन एवं मिश्रित धारा 1976 ने इस दंड को बढ़ा दिया है। 76 में इस दंड को और बढ़ाया गया, जैसे प्रथम बार अपराध करने पर पहले अपराध के लिए न्यूनतम दंड 1 महीना की सजा, अधिकतम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने कारावास दिया जाता था, न्यूनतम तथा अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपये था, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। द्वितीय बार क्या करा अपराध के विषय में, दूसरी बार अपराध के विषय में क्या करा इन्होंने कि जुर्माना 200 से 500 तक और 6 महीने का कारावास जो है सजा दिया। जो भी ये करते हुए पाया गया ना, उसको 6 महीने कम से कम सजा और 500-600 जो भी है जुर्माना लगाया जाता था। आज बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर दिया गया, बढ़िया है। जो भी अपराध करेगा, ऐसा गंदी चीज़ करेगा, उसको सजा होनी चाहिए। आगे बात समझ में, जो इन चीज़ों गलत बोलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो तीसरी बार एवं उसके बाद के अपराधों के लिए 1 वर्ष का कारावास, बहुत बढ़िया। जो भी भेदभाव को बढ़ावा देगा उसको 1 साल की सजा होगी। 200 रुपये से 10,000 तक का जुर्माना, ठीक है, सरकार ने ला दिया ऊपर, ठीक है। कोई भी भेदभाव करेगा उसको सजा होनी चाहिए, ठीक है। किंतु उपरोक्त समस्त निषेधात्मक उपायों के बावजूद अस्पृश्यता अभी भी जारी है, लेकिन आज भी भेदभाव जारी है, क्या करा जाए। एकमात्र शिक्षा है जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। आप बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें लाएं, अगर बच्चे ही समाज के अंदर भेदभाव को बढ़ावा देंगे ना, तो समाज नाश हो जाएगा समाज का, याद रखिएगा। ये चीज़ कौन ख़त्म कर सकता है, एक शिक्षक वर्ग ही ख़त्म कर सकते हैं। पढ़ा लिखा के बच्चों को आप समझदार बनाइए, ये भेदभाव से निकलें सब, ठीक है। जाति वाति ये सब जो भेदभाव उत्पन्न हो रहा ना, इसमें ख़त्म करें भाई ये सब, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में ना ईमानदारी से आप लोग सपोर्ट करना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुलकर सपोर्ट करना है ना इन चीज़ों को, जिससे और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। आगे बस उनमें देखिए, शहरी क्षेत्रों में भी काम कम से कम जो है मानसिक स्तर पर अस्पृश्यता अभी तक जारी है। आज भी शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो था ही, शहरों में भी आज भी देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग आज भी भेदभाव 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 करे ही जा रहे हैं। भाई ये ख़त्म कैसे होगा, तो कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। ये सरकार ने चलिए अधिनियम बनाया, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ख़त्म कैसे हो सकता है, एक शिक्षक वर्ग इसको ख़त्म कर सकते हैं। जो शिक्षक वर्ग, टीचर्स का वर्ग है, शिक्षकों का वर्ग है, ये समस्त बच्चों के मन में ये बातें डालें कि आप भेदभाव ना करें,
आप शिक्षा को प्रोत्साहन दें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको अच्छा पद मिलेगा समाज के अंदर, तो आप जो है ये सारी चीज़ खत्म कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये जात बात ये जितनी भी चीज़ें हैं समाज के अंदर जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही हैं, उन चीज़ों को आप रद्द करें। आगे बस सुनो, गलत चीज़ों को आप कभी सपोर्ट ना करें। ठीक है, मैं यहाँ किसी जाति किसी धर्म को जो है गलत नहीं बोल रहा, मैं इनमें उत्पन्न होने वाली जो गलत चीज़ें हैं ना, भेदभाव है, मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। तो शिक्षक वर्ग से खासकर निवेदन ये रहेगा कि आप लोग अपने बच्चों के अपने स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके पास, आप उनके मन में ये बातें डालें कि जब भी होता है आपके सामने असमानता तो आप उसका पुरजोर विरोध करें और कानूनन तौर पर जो है कानून का सहारा लेते हुए पुलिस को इत्तला करें, ऐसा करें, है ना। तो आप सरकार का साथ दें इन चीज़ों में, आगे बस समझ में। तो शिक्षक वर्ग ही ऐसा कर सकते हैं, तो वो खुल के इस चीज़ का सपोर्ट करें, आगे बस समझ में, बच्चों के दिमाग में बातें डालें। तो आई होप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज़ एक बार जय हिंद जरूर लिख देना और साथ साथ बता देना कि आप लोग को कैसा लगा, मेरी कही हुई बातें आप लोग को समझ में आई हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में एक बार सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है, 30वां चैप्टर हमने कर लिया है, कल हम 31 पढ़ेंगे, 5 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर आने वाला है, बच्चों का एग्जाम होने वाला है, बढ़िया तरीके से तैयारी पूरी रखेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। मिलेंगे कल वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।